तो ये तीनों जो हमारे पार्षद हैं उनको किस तरीके से अरुण जी को धमकाया जा रहा है, दूसरों को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने बचेगा, चुनाव का कोई मतलब बचेगा, जनादेश का कोई मतलब बचेगा, या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि राज्य विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारों को आप गिराइए? क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि 30 सीटें कमाने के बावजूद बेशर्मी पर उतारू होकर दिल्ली में अपना मेयर बनाने का प्रयास कीजिए? क्या दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस पर सोई रहेगी या कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जिस मामले में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है आदेश गुप्ता जी का, दूसरे लोगों का अप्रोच किया जा रहा है, मैं मांग करता हूं ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए और दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? भारत की सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको तो यही धंधा करना है, वो एक किडनैपिंग गैंग बन गया है बीजेपी, विधायकों के पार्षदों के किडनैपिंग का एक गैंग बन गया है भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो करेंगे ये काम। लेकिन क्या भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इस ओर ध्यान देगा? वरना चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा और जो अलग अलग दलों से लोग जीतते हैं उसका क्या मतलब रहेगा?